हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। 1 सितंबर न्यू मंथ। अगस्त में थोड़ा रेनफॉल का डेफिसिट है, ज़्यादा नहीं है, 10-12% का है। क्योंकि जून से अगस्त तक अगर आप देखोगे रेनफॉल, तो 10-12% का डेफिसिट है। अगस्त अकेला, इफ़ यू कंसिडर अगस्त, तो 1900 यानी पिछले 100 साल में दिस हैज़ बीन द मोस्ट ड्राई अगस्त, रेन डेफिशिएंट अगस्त इन इंडिया। लेकिन आई फील एल नीनो इफेक्ट के बाद भी सेप्टेम्बर थोड़ा कवर अप करेगा। सेप्टेम्बर में फोरकास्ट नॉर्मल मानसून का है, तो सेप्टेम्बर अगर कवर अप कर लेता है तो इंडिया विल हैव 10-15% बिलो एवरेज मानसून, विच फॉर वन ईयर इज़ ओके आई थिंक। एज लॉन्ग एज कैचमेंट एरियाज में बारिश हो रही है तो अपने क्रॉप्स पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस हिसाब से मार्केट ने इस चीज़ को भी पचा लिया है। नाउ सेप्टेम्बर इज़ अ वेरी ट्रेंडिंग मंथ। पिछले 5 सेप्टेम्बर्स अगर आप देखो, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ऑल्टरनेट सेप्टेम्बर में हमेशा मार्केट या तो 5% निफ्टी 5% या तो नीचे गिरा है या 5% ऊपर बंद हुआ है। सो 2018, 2020 एंड 2022 में 5% नीचे गिरा था निफ्टी फॉर वेरियस रीजंस। अभी उस टाइम के, उस साल के रीजंस और ट्रिगर्स अलग हो सकते हैं, बट ये फैक्ट है। एंड 2019, 2021 एंड 2023 शायद अभी ऐसा लग रहा है ऑल्टरनेट कि 5 तो नहीं बट 2.5-3%। एक बार 20,000 क्रॉस करे तो और शॉर्ट स्क्वीज़ होगा, जैसे आज हुआ। आज आपने देखा ना कि 19,330 पे सपोर्ट क्या होता है, बार बार जब वो सपोर्ट ले रहा है तोड़ नहीं रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं जाके कुछ स्टॉक्स की वजह से निफ्टी के जो बेयर्स होते हैं, अपने जो बेयर्स शॉर्ट करके बैठे हैं, उनको अपने शॉर्ट्स कट करने पड़ते हैं। क्योंकि निफ्टी 19,420 के ऊपर निकल गया, 19,420 के ऊपर निकल गया, तो शॉर्ट स्क्वीज़ में आप देखो और फर्दर बाइंग आती है। वो शॉर्ट कटते हैं तो वो और ऊपर जाता है, शॉर्ट कवरिंग जिसको बोलते हैं ना, शॉर्ट कवरिंग आप सुनते होंगे। तो वो शॉर्ट कवरिंग के वजह से काफ़ी स्टॉक्स ऊपर गए। पावर ग्रिड पे हमारी नज़र थी, वो अच्छा चल गया। देन इवन बैंक्स में, HDFC को छोड़ के बाकी बैंक्स में काफ़ी ठीक ठाक मूवमेंट था। बैंक निफ्टी भी, IT में देखो, IT मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में, बेल वेदर बन रहा है कि सेक्टर रोटेशन होता है, तो वो IT अभी हो सकता है कि इन्फोसिस आने वाले वीक में शायद, क्योंकि US में अगर इंटरेस्ट रेट्स 19-20 सितंबर को जो मीटिंग है उसमें स्टेबल रहे, तो IT को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर इंटरेस्ट रेट्स कम रहे या स्टेबल रहे, उन्होंने नहीं बढ़ाए, सेम भी रखा ना US ने, तो वी आर थ्रू। तो इन्फोसिस यहाँ से, क्योंकि वो हायर लो बनाते जा रहा है, और आज की क्लोजिंग अच्छी हुई है, IT का एक बाहुबली स्टॉक है, तो वो हो सकता है यहाँ से 3-4% का आपको एक अपसाइड दिखा दे। 3-4% इन्फोसिस मतलब 50-60 points अप्रॉक्सीमेटली, 1500 तक की जगह दिख रही है। नो रिकमेंडेशन, प्लीज़ कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं बेसिकली ट्रेंड की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, कि कैसे बेयर्स आप देखोगे। आज एक बहुत अच्छा लर्निंग था कि बेयर जो हैं, भालू, उसको शॉर्ट्स कैसे काटने पड़ते हैं, क्योंकि निफ्टी ऊपर अगर जाता गया, कोई एक ट्रिगर की वजह से ऊपर गया। व्हाट वाज द ट्रिगर बिटवीन यस्टरडे एंड टुडे? इंडिया का GDP ग्रोथ का जो नंबर्स आया कल, दैट टर्नड आउट टू बी अ मेजर फोर्स। 7.8 या 7.9% का क्वार्टरली ग्रोथ, मतलब एनुअली एडजस्टेड बट क्वार्टरली ग्रोथ आया है। और GDP नंबर लास्ट क्वार्टर में 6.1% का ग्रोथ था। सो मार्केट ने इसको बहुत पॉजिटिवली लैप अप किया, एंड एक अप मूव के साथ आज निफ्टी की, आज की क्लोजिंग तो अच्छी हुई है। नाउ वील हैव टू सी मंडे ट्यूजडे की ये फॉल्स ब्रेकआउट है या वाकई में मार्केट में स्ट्रेंथ है, वो दो कंजिक्यूटिव डेज के क्लोजिंग में आपको पता चलेगा। बट मेरी बात याद रखना, सेप्टेम्बर इज़ अ ट्रेंडिंग मंथ। 4-5% ऊपर या 4-5% नीचे, ये ऐसा ठंडा महीना तो नहीं रहेगा। या तो एक तरफ बाजार एक तरफ चाल ज़रूर पकड़ेगा, तो यहाँ से 5% ऊपर नहीं, मैं 4% पकड़ता हूँ। 4% ऊपर मतलब वी आर क्रॉसिंग 20,000 ईजीली, 20,000 आराम से क्रॉस हो रहा है। और 4-5% नीचे है मतलब वी आर कमिंग बैक टू 18,250 आई गेस, उसी के आसपास। तो अब ध्यान से, अगर आप ट्रेडर हैं तो पोजीशन हेज कीजिए, छोटे छोटे पोजीशन लीजिए, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो SIP चालू रखिए और अपना खाना खाइए, मज़ा कीजिए, कोई टेंशन नहीं इन्वेस्टर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन कीप प्रॉफिटिंग।